फरीदाबाद की रहने वाली महक जैन ने यूपीएससी में 17वीं रैंक हासिल कर न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। महक के यूपीएससी पास करने पर उन्हें बधाई देने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उनके घर पहुंचे और मिठाई खिलाकर महक को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी और मनोहर सरकार की शिक्षा नीति का परिणाम है कि आज बेटियां आगे निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं महक ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं को मेहनत करनी चाहिए। यूपीएससी ने सोमवार को सिविल सेवा पर फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित किए, जिसमें हरियाणा के सोनीपत जिले की बेटियों ने डंका बजा दिया। करीब 4 लड़कियों ने सफलता के झंडे गाड़ते हुए अपने माता पिता के साथ जिले का नाम रोशन किया। इनमें खरखौदा के झरोठ गांव के रहने वाली प्रतिभा दहिया ने 55वां रैंक, निजामपुर के रहने वाली उत्तम ने 121वां, गुड़मंडी की गरिमा गर्ग ने 220वीं रैंक और सेक्टर 23 की रहने वाली निधि ने 524वां रैंक हासिल किया। सिरसा की लड़कियों के सफलता पर परिजन फूले नहीं समा रहे। घर पर रिश्तेदारों और जान पहचान वालों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। बता दें कि यूपीएससी में 55वां रैंक हासिल करने वाली प्रतिभा दहिया के पिता ओम प्रकाश किसान हैं। उनके पिता ओम प्रकाश का कहना है कि बेटी ने गौरवान्वित होने का दोहरा अवसर दिया है। उसका 55वां रैंक आया है ऑल इंडिया में और जी अभी वो इस टाइम आईपीएस की ट्रेनिंग ज्वाइन किए हुए हैदराबाद में, उसको 3 महीना हो गया थी और हमें उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा जो उसने हमारा सपना पूरा किया जी। और हमारे को बहुत हर्ष और उल्लास है, सब हमारे गांव वाले यार, उसके टीचर, उसके गुरुजी, रिश्तेदार सब खुश हैं जी। यूपीएससी रिजल्ट में मारे होनहार भी चाहे, हरियाणा की बेटियों ने भी अपना डंका बजा दिया और झंडा ऊंचा फहराने का काम किया है। हमारे साथ फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जय, कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचे महक के घर, बधाई देते हुए उन्होंने मुंह भी मीठा करवाया, क्या कहा? देखिए अनामिका, जिस तरीके से फरीदाबाद के रहने वाली महक जैन ने यूपीएससी में 17वीं रैंक जो हासिल किया उसके बाद कहीं ना कहीं फरीदाबाद जिले बल्कि हरियाणा के पूरा नाम रोशन किया। और महक जैन की उपलब्धियों को देखते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री उनके घर पहुंचे थे और उनको बधाई देकर मिठाई खिलाते हुए उन्होंने परिणाम दिया कि मनोहर सरकार की जो शिक्षा नीति थी, परिणाम था कि आज बेटियां जो है आगे निकल रही है। बेटियों को बचाओ बेटियों पढ़ाओ का जो अभियान है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जो है महक जैन को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और पूरे परिवार को बधाई दी और मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा है कि जिस तरीके से बेटियां हैं वो बढ़ चढ़कर हर रिश्ते में भाग ले, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे तमाम उन चीजों की अगर बात की जाए तो बेटियां कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर उनमें भाग लेती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है जी। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, धन्यवाद।